नमस्ते। चलिए आज चिकन कसा बनाते हैं, एक रेसिपी दिखाते हैं चिकन कसा का। तो आइए देखिए, हमारा चिकन के लिए चार प्याज हमने बारीक काट लिया है इस तरीका का, पांच टमाटर ले लिया है, ये लहसुन का पेस्ट है दो चम्मच भर के, ये अदरक का पेस्ट है एक चम्मच भर के, ये काली मिर्च हाफ टी स्पून और जीरा एक टीस्पून, धनिया एक टीस्पून और सूखा मिर्चा के गुंडा हाफ टी स्पून और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, ये सब हमने पीस लिया है। और ये चिकन हमारा 1.5 किलो का है। गोटा मसाला में ये तेज पत्ता हमने छोटा साइज का 4 पीस ले लिया है, ये 5 पीस लौंग ले लिया है, ये 4 पीस इलायच ले लिया है, ये मीठा काट ले लिया है 4 टुकड़ा छोटा छोटा, ये काली मिर्च ले लिया है और एक छोटा पाउच चिकन मसाला ले लिया है एवरेज का, बड़ा भी मिलता है आप बाजार से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 300 ग्राम तेल ले लिया है, गर्म हो चुका है और इसमें ये सारा गोटा मसाला दे देंगे। ये हमने दे दिया, दे के इसको अच्छा तरीका से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें चिकन दे देंगे। चिकन में हाफ टी स्पून नमक दे देंगे, अब इसको अच्छा से चला लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छा तरीका से नमक और ब्राउन किया हुआ प्याज मिला लिए हैं और ये देखिए पानी छोड़ रहा, अब इसको हम ढक देंगे। तो चलिए हमारा चिकन देखते हैं, ये देखिए पानी छोड़ दिया है, दो डेढ़ मिनट बाद इसको हम इस तरीका से पलट लेंगे। तो ये देखिए पलट लिए, फिर इसको ढक देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है, ये सारा पानी छोड़ दिया है, ये पानी सूखे पूरा। अब देखिए जब हमने 5 टमाटर काटा था उसको इस तरीका से काट लिया है, ये देखिए इससे इस तरीका से जीरा लगा दिया है, आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं, नहीं तो गोटा भी डाल सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे, ऊपर में दे दिया 5 टमाटर, अब ये पानी सूखने तक हम छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसा हुआ हमारा चिकन। ये देखिए टमाटर गल चुका है, पानी सूख चुका है, ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन देंगे, अब इसको अच्छा तरीका से इसमें मिला लेंगे। ये हमारा तेल छोड़ दिया है गोश्त में, ये देखिए तो इसमें हम लहसुन दे दिए हैं, अब ये हम मिला दिए, अब इसमें दे देंगे सारा मसाला, ये लहसुन का पेस्ट, ये अदरक का पेस्ट, ये जो मसाला हमने बोला था मिक्स, ये सारा मसाला दे के हमने इसको मिला लिया। इसमें पानी एकदम नहीं देंगे, इसी का पानी से ये हो जाएगा, मिनट तक भुनेंगे उसके बाद देंगे बाकी मसाला। अब इसमें चीनी देंगे, अब चाहे तो ज्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो इसको मिला लेंगे। दे दिए, अब ये जो हमारा चिकन मसाला है इसको इसमें डाल देंगे, एक पाउच पूरा हम दे देंगे, इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा भुना भो के आ रहा है, अब इसमें हाफ टी स्पून और नमक दे देंगे। तो ये देखिए टोटल हमारा 1 चम्मच लगा नमक, अब इसको तो देखिए हमारा चिकन भुना हो चुका है। ये है चिकन कसा, हमने
बना लिए हैं, हो गया। अब हमारा चिकन का साग बन के रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीका का बना के खाइए, बहुत ही लजीज है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जो टमाटर दे के आज जो रेसिपी हमने बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये वीडियो आज का हमारा कैसा लगा आपको, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा वीडियो को देख के शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बना सके तो आपका पास पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।